नारेबाजी करते हुए इन लोगों को ध्यान से देखिए। इनके हाथों में झंडा देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये सभी कांग्रेसी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव विनोद बंसल हैं। इनके साथ में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों के साथ साथ रसोई गैस और अन्य खाद्यान्नों में बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने जनता के बीच आवाज उठाते हुए बाजार भी बंद कराया। आइए सुनते हैं कांग्रेसियों का क्या कहना है। देखिए, ये तो जनता है, त्रस्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो आक्रोश निकलेगा ही निकलेगा। और अगर पंप वालों की कहे, हमारे और विधायक जी के पंप की, तो यहाँ की जितने भी हमारे ग्राहक है सब हमारे वेल नोन और हम लोग सालों से यहाँ रहने वाले हैं। अगर वो सब लोग जो है कहते हैं बंद में समर्थन करते हैं तो हम उनके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। जैसा वो कहेगी वैसे करेगा। आपने बंद किया अपना? जब जनता चाहेगी तो बंद होगा, उसमें कोई क्या रोक सकता है। देखिए, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दामों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है और आम जनता त्रस्त है, चाहे सिलेंडर हो और अन्य घोटालों को लेकर, राफेल डील से लेकर के अन्य घोटालों को लेकर के, कांग्रेस पार्टी का आज पूरे भारतवर्ष में बंद का जो आदेश है हम लोगों के लिए, और जिसमें आम जनता का सहयोग मिल रहा है और करीब 2 दर्जन पार्टियों का हमको सहयोग मिल रहा है, और उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि आम जनमानस में इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन आक्रोश देखने को मिल ही रहा है। और अभी हमने देखा, 2 पेट्रोल पंपों में गए, हमने निवेदन किया उन लोगों से, उन्होंने पूरा सहयोग देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया है। आम जनता ने बंद कराया, आम जनता कह रही है कि हम 2-4 घंटे कष्ट सह सकते हैं, लेकिन इस सरकार को हटाने के लिए चाहे कितना भी हमको और कष्ट भी सहना पड़े तब भी हम आपके साथ में। जनता भी महंगाई से काफी परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए के नजदीक पहुंचने वाले हैं। अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपए के पार पहुंच गया ही है, जबकि डीजल 70 रुपए के पार पहुंच गया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियों के लोग भी महंगाई और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। गैस के विरोध में, पेट्रोल डीजल के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा है वो वास्तव में जनता का आंदोलन है। जनता उनके साथ है, हमारे साथ है, और जनता चाहती है किसी प्रकार से भी जो रसोई गैस 850 रुपये की बिक रही है उसमें कमी आनी चाहिए। जो हमारे टाइम पे 360 रुपये में बिकती थी वो आज 850 रुपये में बिक रही है, और उसके बावजूद भी इनकी बेशर्मी देखो कि हमेशा झूठ बोलते हैं और नए नए बहाने लेके आते हैं। निश्चित रूप से आप बहाने ले आओ, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपकी स्थिति दुर्गति होने वाली है, और आने वाले समय में 19 के चुनाव में आप अपना उसका जितना भी आपने दुर्गति के कार्य किए वो भुगतने के लिए तैयार है। ठीक है, राहुल गांधी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, जिस तरीके से जनता के पेट्रोल डीजल पे जनता 70 साल में आज तक पेट्रोल डीजल 80 और 72 रुपये नहीं हुआ, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। और आज हम अभी नेहरू इनक्लेव से लेके राजपुर चुंगी और तुम्हारा राज और ये तुम्हारा रायेश्वर मंदिर होते हुए आज हम सब लोग सागंज वगैरह और सब जगह जाएंगे और इसका इस लोगों से समर्थन मांगेंगे। समर्थन आम जनता का मिल रहा है, हर समाज से मिल रहा है, और पार्टी के सपा के बीएसपी के लोग भी कुछ साथ में आए हैं, और आज पूरे आगरा में हम लोग घूमेंगे और फतेहाबाद साइड में भी जाएंगे। इधर तुम्हारा धिमचरी है, शमशाबाद है, इधर तुम्हारा राजनगर साइड में भी जाएंगे, पूरे आगरा नल में कोशिश करेंगे बंद कराने। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपने प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस ने राजपुर चुंगी राजेश्वर महादेव मंदिर से रैली निकालते हुए ताजव्यू तिराहा कलेक्ट्री सदर सागर तक घूम घूम कर विरोध प्रदर्शन किया। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।